और दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको किसी प्लांट की जो है जानकारी नहीं देने वाला हूं, बल्कि आज जो है आज की वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन में लगे जो फ्रूटिंग प्लांट है उनका थोड़ा सा अपडेट दूँगा, जिनमें जो कौन कौन से जो मेरे फ्रूटिंग प्लांट हैं जिनमें इस तरह से क्या जो फ्लावरिंग है वो यहाँ पर खिल चुकी है और इसमें जो है फ्रूट्स सेट होना शुरू हो गए हैं, और जो यहाँ पे मैंने नए फ्रूट प्लांट्स यहाँ पे परचेस किए थे और क्या उनके साथ में अपडेट है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर से बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है मेरा फ्रूटिंग प्लांट यानी सिट्रस वैरायटी का है, यानी चकोतरा पोमेलो। और इसमें जो आप फ्लावरिंग है वो आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें जो बर्ड्स हैं वो बनी है फ्लावर की, कितने सारे में जो फूल हैं वो बने हैं। और इसमें जो फूल कुछ कहूँगा इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें कुछ फूल देखते हैं जो इस तरह से फूल जो है ओपन होना शुरू हो गए हैं और कुछ कहूँगा जो पोलिनेट यहाँ पर हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी जल्दी ही मेरे जो फ्रूट है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए फ्रूटिंग प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें किस में जो फ्लावरिंग शुरू हुई है सिर्फ वही प्लांट आपको मैं दिखाऊंगा। और ये है मेरा यानी आलूचा, आलू बुखारा प्लम इसे आप कह सकते हैं। और इसमें जो फ्लावरिंग है वो आप देख सकते हैं कितने भरपूर तरीके इसमें जो फ्लावरिंग हुई है, और जल्दी ये जो फूल है पोलिनेट हो चुके हैं और इसमें आपको जल्दी ही फ्रूट जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा, वो आप जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो इस तरह से फ्रूटिंग प्लांट आप लगा सकते हैं अपने छत में। तो देखिए कितने शानदार हैं, इसमें देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं और खुशबू भी काफ़ी अच्छे से इस समय पर रहती है। और देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा एक फ्रूटिंग प्लांट और ये है मलबेरी यानी सैतूत, और इसमें भी आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और इसमें भी देखिए आप देखेंगे जो सैतूत है बनना वो शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये भी एक मेरा फ्रूटिंग प्लांट है, इसमें जो गर्मियों में काफ़ी अच्छी जो है फ्रूटिंग होती है। बाकी आप साथ में देख सकते हैं जो चीकू का प्लांट है, लेकिन चीकू में भी थोड़ा अभी समय है। बाकी इनके बाकी जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो उनका भी जो अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल जो मेरे पास अभी लगे हैं और जिनमें फ्रूटिंग मतलब फ्लावरिंग जो शुरू हो गया वही आपको जो है दिखा रहा हूँ। और देखिए जो नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट है, देख सकते हैं ये है मेरा एप्पल का प्लांट, और एप्पल में भी देखिए जो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, और इसमें जो फ्लावर है देखिए इस तरह से जो बर्ड्स है वो ओपन होने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से जो है मेरा एप्पल का प्लांट है, और इसमें भी जल्दी आपके साथ जो फ्रूटिंग है वो मैं शेयर करूँगा। अभी फ्लावर ओपन हुआ है, आज ही पहला फ्लावर ओपन हुआ है, और अभी चल रहा है फरवरी का एंड, यानी फरवरी जो आज है हमारी 25 फरवरी हो चुकी है, और इसमें जल्दी ही पोलिनेट होगी, जो फ्रूट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है मेरा नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट यानी देख सकते हैं ये मेरा आड़ू का प्लांट है यानी पीच, और ये वैरायटी है देखिए शान पंजाब, और इसमें जो फ्लावरिंग है वो देख सकते हैं कितनी भरपूर तरीके से फ्लावरिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह से फ्रूटिंग प्लांट्स लगे हैं तो आप देख लीजिए, पहले इनमें जो है फ्लावरिंग इस तरह से होती है, बाद में जो है इनमें फ्रूट सेट यानी फ्रूट सेट होते हैं, फिर जो है इनमें पत्तियाँ निकलती हैं। तो पहले इसमें देखिए कितनी सारी बर्ड्स इसमें बनी थी, फ्लावरिंग हुई है, ओपन हो चुकी है, और साथ ही अब जो है इसकी लीव्स निकलनी सेट होंगी। तो ये जो फ्लावर हैं सारे देखिए इस तरह से मैं पॉलिनेट कर चुका हूँ। अगर आपको इस तरह से फ्लावर या तो पॉलिनेटर्स आप फूल वाले बहुत प्लांट लगाइए अपने गार्डन, ताकि जो फूल आपके पॉलिनेट हो सके। अगर फ्रेंड्स इस तरह से आपके मैं कहूँ कि जैसे फूल यहाँ पर खिले हैं और एक दो ही फूल यहाँ पे लगा है, तो आपको उसको अपने हाथ से ही खुद से पॉलिनेट यहाँ पे कर लेना चाहिए। और पॉलिनेट करने के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से जो है आप एक पेंटिंग वाला ब्रश ले लीजिए, और साथ ही देखिए क्या वहाँ बीच में स्टिग्मा रहता है, तो आप इस तरह से जो उसको लेके पॉलिनेट अपने हैंड से ही कर सकते हैं। और ये है मेरा मैंगो प्लांट। देखिए मैंगो में जो है अभी मैं कहूँगा मंजरा भी नहीं आया है, ये जो है मेरा प्लांट अभी लेट हो चुका है, तो इसमें जो मंजरे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कब तक बनता है वो भी जल्दी आपके साथ जो हम शेयर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरे अनार का प्लांट, तो अनार में जो है देखिए जो फ्लावरिंग है वो बननी भी शुरू हो गई है, बड्स बनने इस तरीके से शुरू हो गए हैं। तो इसमें ही जल्दी यहाँ पे कैंगो फ्लावर ओपन होंगे और जो इसमें भी जो फ्रूट जल्दी से सेट होगा। तो मेरे पास यहाँ दो वैरायटी लगी है और दोनों ही फ्लावरिंग जो इस तरह से शुरू हो चुकी है। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ जो मेरा एक और फ्रूटिंग प्लांट है, देखिए क्या वो लेमन का, जो कि मेरे कागजी लेमन का प्लांट है, तो इसमें भी देखिए इस तरह से जो फ्लावर है वो बनने भी शुरू हो गए हैं। तो छोटे छोटे फ्लावर अभी निकल रहे हैं, और लास्ट टाइम के विंटर्स के देखिए क्या जो लेमन अभी मेरे यहाँ पर लगे हैं अभी भी, और कुछ तो यहाँ पर मैंने हर्वेस्ट कर लिए थे, फिर भी जो है छोटे मोटे जो लगे थे वो यहाँ पर लगे हैं, ताकि आपको जरूरत पड़े तो मार्केट आपको ना भागना पड़े, एमरजेंसी में जो है आप एक दो जो लेमन की जरूरत पड़े तो यहाँ पर अपनी टेरिस से ही तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं लगा था ये फ्रूटिंग प्लांट जो है आप लगा सकते हैं, तो इसमें जो आप बेटर रहता है तो आप कागजी लेमन लगाइए, बहुत ही अच्छे से आपको जो फ्रूटिंग मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे संतरे का प्लांट, और जिसे देखिए इसमें जो मैं कहूँगा फ्लावरिंग है वो देखिए इस तरह से बननी शुरू हो गई है, बड्स बननी शुरू हो गई हैं फ्लावर की, ये देखिए। और साथ ही इसमें कहूँगा कि जो ग्रोथ है वो भी शुरू हो चुकी है, तो इसमें भी जल्दी ही आपको फ्लावर ओपन होंगे और इसमें भी आपको जल्दी से संतरे जो है हम दिखाएंगे लगे हुए। और मैंने लास्ट टाइम भी इसे जो है एक संतरा जो हार्वेस्ट किया था,
और देखिए ये जो कहूँगा एक और मैं कहूँगा मेरे पास जो है एप्पल की वैरायटी है यानी HRMN99। और इसमें भी देख सकते हैं जो बीमे हैं बनने वो शुरू हो गए हैं फ्लावर के, इस तरह से ये जो बीमे रहते हैं यही जो हमारे फ्लावर रहते हैं इस तरह से। देखिए इसमें भी जल्दी से कहूँगा ये हमारे ओपन होंगे, ये प्लांट थोड़ा लेट है, इस पर जो हम अभी एक आधा स्प्रे और लेंगे तो इसमें जल्दी से जो फ्लावर है ये हमारे ओपन हो जाएंगे। और साथ तीस साथ आप देख सकते हैं ये जो मेरे गुआवा के प्लांट है तो इनमें जो ग्रोथ है अभी शुरू हो गई है, और जैसे यहाँ पे नए जो कलियाँ निकले हैं, जो नई कलियाँ निकली हैं जल्दी इन पे जो फ्लावर और बर्ड्स आपको दिखाई देंगी और फ्रूट भी इस पर जल्दी ही सेट यहाँ पे हो जाएगा। और साथ यहाँ पे देखिए मैंने जो नई ग्राफ्टिंग मैंने की थी इस तरह से देख सकते हैं ये मेरे आड़ू की है, तो इनमें भी देखिए इस तरह से छोटी सी इस टाइम पर जो है फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे फ्लोटिंग प्लांट्स भी जो मेरे बहुत ही छोटे हैं लेकिन मैं आपको जो फ्लावरिंग है देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा कहूँगा कि नाशपाती का प्लांट है, और नाशपाती प्लांट में भी आप देखिए कहूँगा इस तरह से जो फ्लावर है वो बन चुके हैं यानी बीमे बन चुके हैं, तो इसमें भी आपको जो फ्रूटिंग जल्दी ही आपको दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी इस तरह से रहती हैं स्टेम्स नहीं है, ये बीमे हैं फ्रूटिंग के और इन पर जल्दी ही फ्लावर आपको दिखाई देंगे। और साथ ही यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मेरा बब्बू गोसा का प्लांट है, तो इस पर तो अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है लेकिन इस पर जो बीमा बना है वो मेरा एक ही बीमा बना है, तो इस पर एक ही फ्लावर खिलेगा हमारा। और ये देखिए जो है मेरे किन्नू का प्लांट है, और इस पर भी देखिए फिर से जो है फ्लावरिंग बननी शुरू हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी जो है फ्लावरिंग बनी है और इस पर धीरे ही जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी। और साथ ही साथ जो है मैंने चार से जो पांच वैरायटी है वो मैंने यहाँ पे इस पर ग्राफ्टिंग की है, जिसका जो रिजल्ट है जल्दी ही शेयर करूँगा आपके साथ, और ये भी हमारी जल्दी ही सक्सेस यहाँ पर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मेरे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं देखिए इस तरह से ग्रो की हुई है, जिनमें आप जो फ्लावरिंग है देखिए किस तरीके से इस पर हो रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो फ्लोटिंग प्लांट्स मेरे पास हैं जिन पे जो ग्रोथ है वो इस तरह से हो रही है। और ये है मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट जिसमें कहूँ कि इस तरह से जो फ्लावर अभी खिले थे और इसमें जो फ्रूट है देखिए इस तरह से जो है सेट हो चुके हैं अंदर, जो स्ट्रॉबेरीज में बन चुकी है। तो ये इस तरह से मेरे स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, देखिए इस पर और भी फ्लावर मेरे यहाँ पर खिले हैं। फ्रेंड देखिए ऊपर वाली छत पे चलने से पहले आपको जो फ्लोटिंग प्लांट्स कुछ यहाँ पे दिखा दूँ जो मैंने नए बाय किए थे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आप देख चुके हैं कितनी हरियाली यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे क्या हूँ कुछ एप्पल के प्लांट, नाशपाती के, प्लम के, माल्टा और काफ़ी सारे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे, खुमानी का, एप्रिकॉट का, और पर्सीमोन में मेरे भी जो फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी कहूँगी अंजीर की वैरायटी, ये सारी जो है इस तरह से मेरी जो नई ग्रोथ है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और इनके साथ जो है जल्दी जल्दी शेयर है वो मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं अपडेट करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये है मेरा एक और सैतूत का प्लांट जिसपे आप देखते हैं जो सैतूत इस तरह से मलबेरी बननी शुरू हो गई हैं, और साथ ही साथ कुछ गुआवा के प्लांट है, और यहाँ पे आपको दिखा दो कुछ लेमन के प्लांट है जिसपे आप देख सकते हैं जो फ्रूटिंग है कितनी सारी तरीके से जो फ्लावर है वो यहाँ पर बने हैं, और इनमें आपको जो फ्रूटिंग है जल्दी से कितने सारे जो नींबू वो देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्लांट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट है जिसमें कुछ लेमन इस तरह से बन चुके हैं और जो फ्लावरिंग है इसमें अभी चल रही है, तो काफ़ी सारे सुंदर इस तरह से जो वाइट कलर के फूल है वो देखने को मिलते हैं और खुशबू काफ़ी मिलती है। तो ये जो है एक अलग ही आप जो है अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से आप जो है सिट्रस वैरायटी के प्लांट्स है वो लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है देखिए देख सकते हैं आप अभी जो मेरा मौसमी का प्लांट है, और मौसमी में भी आप जो है फ्रूटिंग है वो देखिए फ्लावरिंग ये देखिए कितनी सारी इसमें जो फ्लावरिंग वो बनी है, और कुछ है ओपन होनी भी शुरू इस तरीके से हो चुकी है। तो ये जो थी मेरी मौसमी का प्लांट था, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो देखिए ये मेरा एक और प्लांट है किन्नू का, तो इसमें जो फ्लावर हैं देखिए इसमें जो फ्लावर हैं यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं, ओपन होने जो है शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे और भी कुछ मेरे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, तो उनमें जो आप देख सकते हैं ये मेरी एक और मौसमी की जो वैरायटी है फ्रेंड देखिए इसमें भी क्या हूँ जो फ्लावरिंग है इस तरह से छोटे से प्लांट पे देख सकते हैं, लास्ट टाइम तो इसमें जो हार्वेस्ट यहाँ पे किए थे, और इसमें अभी तक जो फ्रूट है वो भी यहाँ पे पड़े हैं पुराने वाले छोटे, तो विंटर जो है थोड़ा डोरमेंसी पीरियड था तो इसलिए से फ्रूट अभी मैं कहूँगा बड़े साइज इनका नहीं हुआ है, तो सीजन इनका जो है समर्स का रहता है इसमें जो आपको ये मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है मेरे ये आंवला का प्लांट है जिसमें जो ग्रोथ अभी शुरू हो चुकी है, और जल्दी ही इस पर जो फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स ये है मेरा क्या हुआ कि मैंने जो ग्रो किया था, ये है मेरा सनफ्लावर का प्लांट जिसमें आप जो फूल है देखिए जैसे सेट हो गया कितना प्लांट है जो मेरा बड़ा हो चुका है। और देखिए ये जो मेरे साथ प्लांट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किया, साथ साथ जो है उनका मैं अपडेट आपके यहाँ चेंज करता दिखाता रहूँगा, और जो जो फ्रूट है यहाँ पे लगे हैं क्या हम हार्वेस्ट करेंगे, और कितने जो मेरे प्लांट में अभी फ्रूटिंग होने वाली है, तो सारी जो है कंप्लीट अपडेट आपके साथ में जो वीडियो पर आता रहेगा। अगर फ्रेंड्स अगर मेरे पास आप में चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसी तरह से मेरी चैनल का अपडेट आपको जो है गार्डन का अपडेट आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। और यहाँ पर तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की जो वीडियो है पसंद आएगी, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ।